नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि घर में जो ये बेकार पड़े टीन या एल्युमिनियम के कैन होते हैं, इनका क्या करना है। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। और अगर मेरे वीडियो के बारे में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या कुछ भी राय है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना कैन ले लेंगे और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये छोटे छोटे पत्थर लिए हैं और इस पत्थर में हम इस तरह से यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पे इसमें फेविकॉल लगाना। आप चाहे तो ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने उंगलियों का इस्तेमाल किया है इस तरह से। और देखिए इस तरह से बस एक एक करके आपको यहाँ पे अच्छे से चिपकाना है। देखिए फिर मैंने यहाँ दूसरा लिया है और इसी तरह से इसमें भी मैंने फेविकॉल लगा लिया। अच्छी तरह से आपको फेविकॉल यहाँ लगाना है और इस तरह से फिर ठीक इसके बगल में इसी तरह से एकदम इस तरह से इसको चिपका लेना। फिर यहाँ पे इसी तरह से सेम इसी प्रकार में यहाँ पे लेना है और इस तरह से यहाँ पे मैंने यहाँ पत्थर का इस्तेमाल किया है। इस गिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से बीच के गैप को कवर करने के लिए आप यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे गैप कहीं भी नहीं छोड़ना। इस तरह से देखिए मैंने इसे एक एक करते हुए चारों तरफ से चिपका लिया है और एक बार जब ये चिपक जाए और अच्छी तरह से सूख जाए तो मैंने इस पर नेरोलैक का सिंथेटिक एनामेल लगा लिया है। और ये लगने के बाद
देखिए कितना शाइन कर रहा है। और ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, वरना ये बिना लगाए भी बहुत खूबसूरत लग जाए। और मैंने इसी तरह से देखिए यहाँ पे गिट्टी का इस्तेमाल करते हुए मैंने इसे भी बना लिया और इसे भी इसी तरह से बनाया है। और देखिए ये दोनों ही कितना खूबसूरत लग रहा है, कोई भी देख के नहीं बोलेगा कि आपने इसे घर में बनाया है। और इसे बनने के बाद आप इसमें चाहे तो मिट्टी डाल करके आप प्लांट भी लगा सकते हैं, इसे या पेन स्टैंड के रूप में इस्तेमाल कर सकते, ये आप पे है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक पे पेन स्टैंड बना लिया और दूसरे में मैंने मिट्टी डालकर प्लांट लगा लिया, और देखिए दोनों कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।